मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इस्लामी जिंदगी और आज हम इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक के नेक बंदों के तवक्कुल के मुतालिक सुनेंगे। आखिर तक इस प्रोग्राम में शरीक रहिए। आइए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। दुरूद पाक की फजीलत मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आफतें और बलाएं नहीं आती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माँ की दुआ का असर। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हजरत सैयदना बकी बिन मुखल्लद रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और बड़े गमगीन अंदाज में यूं अर्ज गुजार हुई, हुजूर मेरे जवान बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया है और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ उनके जुल्म और सितम का निशाना बन रहा है। मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं फिदिया देकर उसे आजाद करा लूं। मेरी मिल्कियत में सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसे मैं बेच भी नहीं सकती। अपने लखते जिगर की जुदाई के गम ने मेरे दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ा दी। मुझे एक पल सुकून मुयसर नहीं। खुदारा मेरी हालत ज़ार पर रहम फरमाए। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह किसी साहिब हैसियत से कह देंगे तो वो फिदिया देकर मेरे बेटे को आजाद करा लेगा और इस तरह मुझे करार नसीब हो जाएगा। उस बूढ़ी माँ की ये ममता भरी बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मोहतरमा अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, वो जरूर करम फरमाएगा। मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। जब दुखियारी माँ ने ढारस बंधाने वाली ये बातें सुनी तो दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। रावी कहते हैं कि जब वो बुढ़िया वहां से चली गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुका कर बैठ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक होंठों को जुम्बिश हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ पढ़ने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह काफी देर तक इसी हालत में रहे। कुछ अरसे बाद वही बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं दे रही थी और आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कहने लगी, हुजूर आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने कैद से रिहाई अता फरमा दी है। इसका वाकया बड़ा अजीब है। ये खुद अपनी रिहाई का वाकया आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान करना चाहता है। ये सुनकर आपने फरमाया, ऐ नौजवान अपना वाकया बयान करो। वो कहने लगा, जब मुझे रोमियों ने कैद कर लिया तो उन्होंने मुझे चंद और कैदियों के साथ शामिल कर दिया। वो हमसे बहुत ज्यादा मुशक्कत वाले काम करवाते। फिर हम चंद कैदियों को एक बड़े शाही अहदेदार के पास भेज दिया गया। उसकी मिल्कियत में बहुत सारे बागात थे और वो बहुत बड़ी जागीर का मालिक था। वो हमारे पाँव में बेड़ियां डालकर सिपाहियों की निगरानी में अपने बागात और खेतों में काम करने के लिए भेजता। हम सारा दिन जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह काम करते। फिर शाम को वापस हमें कैद खाने में डाल दिया जाता। इस तरह हम उनकी कैद में मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को हमें वापस कैद खाने की तरफ लाया जा रहा था तो यकायक मेरे पाँव में बंधी हुई मजबूत बेड़ियां खुद ब खुद टूट कर जमीन पर आ पड़ी। जब सिपाहियों को खबर हुई तो वो मेरी तरफ दौड़े और चीखते हुए कहने लगे, तूने बेड़ियां क्यों तोड़ डाली? मैंने कहा बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई हैं, मैंने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो दूसरे कैदियों से पूछ लो। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर अपने अफसर को ये वाकया बताया। वो भी हैरान हुआ और उसके हुक्म पर मुझे पहली बेड़ियों से मजबूत बेड़ियों में जकड़ दिया गया। अभी मैं उन बेड़ियों में चंद कदम ही चला हूंगा कि वो भी खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर पड़ी। ये मंजर देखकर सारे लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने बाहम मशवरे से एक राहिब को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। राहिब ने सारी गुफ्तगू सुनकर मुझसे फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? मैंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। राहिब मेरी बात सुनकर उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, इस नौजवान की वालिदा ने इसके लिए दुआ की है, इसकी दुआओं ने इस नौजवान को अपने हिसार में ले रखा है और अल्लाह पाक ने इसकी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है। अब चाहे तुम इसे कितनी ही मजबूत जंजीरों में कैद करो, ये फिर भी आजाद हो जाएगा। बेहतरी इसी में है कि इसे आजाद कर दो। जिसके साथ माँ की दुआएं हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहिब की ये बात सुनकर रूमियों ने मुझे आजाद कर दिया और मुझे इस्लामी सरहद तक छोड़ गए। जब उस नौजवान से वो दिन और वक्त पूछा गया जिस दिन उसकी बेड़ियां टूटी थीं, तो वो वही दिन था जिस दिन बुढ़िया हजरत सैयद बकी बिन मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई थी। उसने दुआ के लिए अर्ज की थी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बेटे के लिए दुआ की थी। उसी दिन और उसी वक्त नौजवान को रूम में वो वाकया पेश आया। इस तरह माँ की दुआओं और आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से उस नौजवान को रिहाई हासिल हुई। प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ की दुआ में बहुत ताकत है। माँ की खिदमत करने से दुनिया और आखिरत संवर जाती हैं। माँ अगर खुश होकर दुआओं से नवाज दे तो हर किस्म की मुश्किलात परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती हैं और राहतें नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हमें भी वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह पाक आज के प्रोग्राम से हासिल होने वाले नसीहत भरे मदनी फूलों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा सिलसिले में इंशाअल्लाहुल करीम किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी।